तरबूज का शरबत बनेगा तरबूज की ठंडाई। तो ये हमारा तरबूज कट हो रहा है और इसको कट करेंगे और अच्छे से ठंडाई बनाएंगे, क्योंकि गर्मी का समय आ गया है, गर्मी चालू हो गई है। तो सर्दियों बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी है। और इस तरीके का तरबूज हमारा, इसको कट कर लेंगे हम इस तरीके से। क्या ये पानी की पूर्ति भी करता है ना तरबूज, जो पानी कम पीते ना, तो हमेशा एक गिलास तरबूज का जूस बना के, यानी कि ठंडाई बना के पिया करें, तो उसे पानी की कमी भी दूर होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मुँह का टेस्ट भी अच्छा रहता है और हेल्थ भी अच्छी, और हमें खून भी बढ़ाता है वैसे तरबूज। सारे को हम कट कर लेंगे और छील के रख लेंगे, उसके अगल छिलके निकाल लेंगे। इनके छिलके की तरबूज की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इसकी सब्ज़ी भी बना के बताएंगे कहीं किसी रोज़, कमेंट ज़रूर करना कि इसकी सब्ज़ी कैसी बनती है तरबूज के छिलके की। मैंने इनको निकाल लिए हैं, छिलके अलग कर लिए हैं इसके, और इसको हम मिक्सर में ऐसे ही अच्छा सा पैसा, जैसे कि सूप वगैरह बनाते हैं ना उस तरीके का बनाएंगे। जूस गर्मियों के मौसम में बहुत ही गुणकारी है, हमेशा बना के पीना चाहिए, इसकी ड्रिंक बनाना चाहिए और बच्चों को देना चाहिए एक गिलास, तो ताकि उसमें पानी की कमी ना हो। और ये बहुत टेस्टी है, स्वाद के अकॉर्डिंग हम इसमें शक्कर डालेंगे थोड़ी सी, यानी 2 टीस्पून के करीब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। अगर मीठा तरबूज हो तो ना डालिए। हमारा भुना जीरा है थोड़ा सा, तो उसको हम ऐड करेंगे 2 से 4 चुटकी के करीब। ये हमारा 1 नींबू का रस है, उसको भी ऐड करेंगे। अगर आपको मीठा और खट्टा पसंद नहीं है तो आप नमक डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा, और नमक और नींबू का रस डाल सकते हैं, शक्कर मत डालिए। और अगर आपको मीठा पसंद है तो शक्कर डाल दीजिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है, और देखिए इसमें चीनी ऐड होने के बाद में कलर और भी अच्छा आ गया है। अब इसको हम छान लेंगे, इस तरीके के बर्तन में हम इसको छान लेंगे, और हम इसमें डालेंगे बर्फ के 2-4 टुकड़े इस तरीके से। और ये हमारे समर टाइम के स्पेशल जूस ठंडाई वाला तैयार। लुक दिख रहा है ना, सारी ऐड कर देंगे इसमें जूस और बेस्ट ड्रिंक जिसे बोलते हैं वो तैयार है फ्रेंड्स। तो आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए, ये बच्चों को भी पसंद है, और पसंद तो वैसे सब है, लेकिन ये बहुत हेल्दी है और बहुत ही टेस्ट अच्छा है इसका। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमने छोटे छोटे पीस में कट करे तरबूज के, तो इनको भी हम डाल लेंगे इस तरीके से, कैसे लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जूस तैयार है। तो इसे हम निकालेंगे देसी तरीके में, स्टील के गिलास में, हम कांच के गिलास में नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसमें हमें अच्छा नहीं लगता पीना। हम तो गांव देहात के हैं, देसी तरीके से निकालेंगे। हमारे स्टीलों के गिलास हम निकालेंगे इस तरीके से, ये बहुत जल्दी बन जाता है। गिलास हमें निकालेंगे देसी तरीके से स्टील के गिलास में। तो भैया हम तो इतने लस्सी भी बनाते हैं तो इसी तरीके से सब करते हैं, हमें कांच के गिलास पसंद नहीं है। आप पसंद है तो आप कांच के गिलास में निकालिए। तो चलिए इंजॉय करते हैं गर्मियों के मौसम में तरबूज का जूस ड्रिंक।